नमस्कार दोस्तों, सड़क निर्माण को लेकर बिहार से एक और अच्छी खबर आ रही है और खबर ये कि तीन अहम परियोजनाएं इसी महीने पूरी हो जाएंगी, यानी नए साल में बिहार के कई हिस्सों में लोग नई सड़कों पर फर्राटा भरते हुए दिखाई देंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी सड़कें हैं और वो बिहार के किस हिस्से को कवर करेंगी। सबसे पहले आपको पटना जिले में पूरी होने वाली सड़क परियोजना के बारे में बता दें। ये परियोजना पटना से बख्तियारपुर फोर लेन सड़क की है, जिससे पहले पटना से इसी रास्ते से लोगों का आना जाना होता था, जब पटना बख्तियारपुर का मौजूदा बाईपास रोड नहीं हुआ करता था। बिहार से झारखंड जाने वाली गाड़ियां इसी रास्ते से गुजरती थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अब नए सिरे से इसका निर्माण किया है। इसके बनने के बाद से फिर से बख्तियारपुर नवादा होकर कोडरमा रांची जमशेदपुर समेत झारखंड के दूसरे शहरों में आना जाना आसान हो जाएगा। पहले इसे NH30 कहा जाता था, पर अब ये NH31 का हिस्सा है। इस सड़क की कुल लंबाई 50.56 किलोमीटर है, जिसके निर्माण पर 574 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दोस्तों, इसी महीने पूरी होने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी की दूसरी सड़क परियोजना बिहार शरीफ बरबीघा मोकामा की है, जो दो लेन की है। 54.76 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 297.27 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसके पूरा होने से पटना, नालंदा और शेखपुरा जिले को काफी फायदा होगा। जहां तक तीसरी अहम सड़क परियोजना की बात है, तो आपको बता दें कि ये परियोजना मुजफ्फरपुर सोनबरसा सड़क की है। इस प्रोजेक्ट में दो लेन की सड़क बनाई गई है। इस सड़क को बनाने में 512 करोड़ का खर्च आया है, जिसकी लंबाई 82.7 किलोमीटर है। इसके पूरा हो जाने से मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के साथ ही आसपास के जिले के लोगों को भी इस तरफ आने जाने में आसानी होगी। इसके अलावा बिहार की कई सड़क परियोजनाएं अगले साल भी पूरी होंगी, जिनमें महेश खूंट सहरसा पूर्णिया प्रोजेक्ट और NH31 का बख्तियारपुर से मोकामा का बाकी का हिस्सा शामिल है। वहीं सिमरिया खगड़िया मझौली चरौत और फारबिसगंज जोगबनी सड़क परियोजना का काम भी अगले साल पूरा हो जाएगा, जबकि गंगा नदी पर मुंगेर के रेल सह सड़क पुल का अप्रोच रोड का काम भी तेजी से चल रहा है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में NHAI को राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिला, इसलिए जमीन अधिग्रहण और दूसरी दिक्कतों को समय रहते दूर करने में आसानी हुई।